नमस्कार दोस्तों, पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सबसे पहले तो न्यू ईयर की सभी लोगों को बधाइयां और नए नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार के लिए। सभी लोगों को पीसीएस एकेडमी परिवार और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके जीवन में नई नई अच्छी चीज़ें लेकर आए और आप नई ऊंचाइयों को छुएं। इस नए साल में अपने जो भी गोल्स बनाए हैं, जो भी लक्ष्य बनाए हैं, उनको आप प्राप्त करिए और अच्छे से जो नया साल आया है, नए साल में आप अच्छी तरीके से जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसको नए जुनून और जोश के साथ में आप स्टार्ट करिए। और आंसर राइटिंग आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप बीओ वाले एग्ज़ाम जो है, ठीक है, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो वैकेंसी आई है, उसके लिए भी आपका जीएस का रिटन पेपर है, ठीक है, तो आंसर राइटिंग आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसमें कई टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे कि जैसे 125 शब्दों में है और आपका 50 शब्दों में है और 25 शब्दों में है, तो ये आपके 20 प्रश्न आएंगे, ये 10 प्रश्न आएंगे, ये आपके 10 प्रश्न आएंगे, तो टोटल 40 प्रश्न आपके वीओ वाले एग्ज़ाम मेंस में आएंगे, ठीक है। पीटी की तैयारी संभवतः कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी, करंट अफेयर और बाकी सारी चीज़ें आपकी आती रहेंगी। और दोस्तों, अच्छे से तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, अच्छी तरीके से नए साल में आप अच्छी तरीके से कार्यों को करिए। और इस समय थोड़ा सा ठंड भी पड़ रही है, ठीक है, तो उंगलियां काम नहीं कर रही होंगी, लिखने में बहुत सारी समस्याएं, मेरी भी जो राइटिंग है वो भी अच्छी नहीं बन पा रही क्योंकि हाथ नहीं चल पा रहा है। और एक चीज़ और है कि तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से एक दो दिन वीडियो नहीं आ पाए, ठीक है, अब आते रहेंगे। तो आज का प्रश्न देखेंगे, ये आपका यूपीएससी मेंस 2019 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी मेंस 2019 का पेपर, फर्स्ट पेपर का यह प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है और ये पांचवा पार्ट है आंसर राइटिंग की सीरीज़ का। 125 शब्दों में आप लोगों को प्रश्न लिखना है। प्रश्न को लिखते समय कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना है कि जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इस तीनों पार्टों में अगर आप एक एक कोटेशन डाल देते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। सॉरी, तो अब जो जैसे इसमें कुछ और चीज़ें हैं कि ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो लयबद्धता है, एक तारतम्यता है, वो आपके उत्तर में होनी चाहिए। और जो आप लिखते हैं, ठीक है, शब्द चयन, शब्द निर्माण, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बताना है, ठीक है। सॉरी, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? तो इसको आप लोगों को बताना है कि धर्म, जिसे देखिए प्रश्न में जो मूलभूत चीज़ पूछी गई है उसी का आपको जवाब देना है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता को आपको सबसे पहले बताना होगा, ठीक है, फिर चुनौतियों को, फिर जो भी चीज़ें हैं किस तरीके से दोनों में सामंजस्य बनाते हुए चीज़ें आगे बढ़नी हैं, ठीक है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता जो है यह एक आधुनिक अवधारणा है, एक लोकतांत्रिक अवधारणा है। और इसमें होता क्या है कि जैसे जो सार्वजनिक और राजनीतिक निर्णय एवं कार्य जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें, उन कार्यों में धर्म का कोई स्थान नहीं होता, धर्म से तटस्थता लाई जाती है, ठीक है, कार्यों में। तो कहने का मतलब यही है कि जो धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बिल्कुल मूल शब्दों में या व्यवहारिक शब्दों में कहा जाए तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बस यही है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी धर्म को शरण नहीं देगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अलग चीज़ें हैं, तो आपको धर्मनिरपेक्षता को अच्छी तरीके से पहले पैराग्राफ में बताना है, ठीक है। शब्द सीमा का आप लोगों को खास ख्याल रखना है, ठीक है। अब देखिए, जो धर्मनिरपेक्षता है तो उसको, जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं
को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किस तरीके की चुनौतियां आ रही हैं। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं आप लोग, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट जो है तो उसमें पुरुष और महिलाओं को जो समान अधिकार हैं वो देने की बात कही जाती है। उत्तराधिकार में जैसे अभी तक क्या है समाज में कि लड़कियों को पिता की संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं मिलता, तो ऐसे में क्या है चीज़ें कानून बनते हैं समानता लाने के लिए, न्याय लाने के लिए, कोई भी लिंग विभेद ना हो, उन सारी चीज़ों के लिए लाए जाते हैं। अब देखिए, एक सांस्कृतिक चीज़ है, एक हमारी परंपरा और प्रथाओं में है कि जो पिता की पैतृक संपत्ति होगी तो पिता की संपत्ति पर लड़का ही हकदार होगा, तो ऐसा चला आ रहा है। लेकिन अब समानता और न्याय ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो अब निर्णय लिए जाते हैं तो उसमें कानून भी बनाया गया है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पुरुष और महिला दोनों के बीच के जो अधिकार हैं उनको समान किया जाता है, उनको भी उत्तराधिकार मिलना चाहिए, तो ऐसा कानून बनाया गया है। और क्या है कि जैसे इस्लाम धर्म में प्रचलित तीन तलाक है, तो तीन तलाक का मुद्दा इस पर इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो सोचने वाली बातें हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, जैसे इस्लाम धर्म की संस्कृति या जो मुस्लिम संस्कृति है, तो दोनों को कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता ने एक चुनौतियाँ उत्पन्न करी हैं। ठीक है, कि इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग, कई लोगों के विचार हैं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कई लोगों के एक आधुनिक विचार हैं कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सबरीमाला का जो प्रकरण है, तो सबरीमाला के प्रकरण में क्या है कि सभी आयु वर्ग की महिलाओं को उसमें एंट्री मिलनी चाहिए, लेकिन जो संस्थान है, जो मंदिर है, तो उसने अपने तर्क दिए हैं, अपने आधार दिए हैं कि क्यों नहीं आना चाहिए। ठीक है, कुछ एज की महिलाओं को, जैसे बच्चे हैं वो जा सकते हैं, वृद्ध हैं 50 साल के ऊपर हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन जो मिडिल एज होती है तो वो व्यक्ति नहीं जा सकते। ठीक है, स्पेशली महिलाओं के लिए इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये मुद्दा भी चला है, तो कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने ये सारी चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, अब अस्पृश्यता विरोधी कानून भी हमारे यहाँ लाया गया है, तो कुछ लोग इस चीज़ का अपोज भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, लेकिन एक समानता और न्याय और लोकतांत्रिक अवधारणा के आधार पर ये चीज़ें लाई जानी चाहिए। ठीक है, जब हम निर्णय देखते हैं कि डिसीजंस में क्या चीज़ें दर्शाई जाती हैं, कि हर एक सरकार के द्वारा, राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा और हमारे संविधान के द्वारा ये सारी चीज़ें कही जाती हैं, सामाजिक न्याय की बात की जाती है, हमारे संविधान में भी ये चीज़ें कही गई हैं, समानता की बात कही गई है, लोगों के बीच में समानता आए और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी बचाकर रखना है, जो स्वतंत्रता है उसको भी बनाए रखना है। ठीक है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये आपका सारी चीज़ें देखी जाती हैं और मानवीय मूल्यों की रक्षा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं एक आधुनिक समाज के निर्माण में योगदान देती हैं। ठीक है, कुछ लोग इन चीज़ों का विरोध भी करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, तो ये उनके खुद के विचार हैं, लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार हर तरीके से लोगों में, ठीक है, जो धर्मनिरपेक्षता जो है वो किस तरीके से चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही है और उन चीज़ों को एक आधुनिक समाज के निर्माण में जो चीज़ें कही गई हैं, ठीक है, जो चुनौतियाँ हैं उनको किस आधार पर लाया जा रहा है, किस आधार पर चीज़ों को बताया जा रहा है कि हाँ ये चीज़ें समाज के लिए सही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा उत्तर आंसर राइटिंग करनी है और अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर एक दिन में दो प्रश्नों को ज़रूर लिखा करिए। ठीक है, देखिए, लगता है एक घंटे में भी अगर दो प्रश्न लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्या है मेंस देते समय आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आंसर राइटिंग डेली आप लोग करिए। ठीक है, जो लोग भी सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, UPPCS मेंस 2019 के लिए और BUO मेंस के लिए, ध्यान रखिए BUO मेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल देख सकते हैं या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आज का जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, एक दिन में दो प्रश्नों को देखते हैं। पेपर सेकंड का प्रश्न है, प्रश्न संख्या
10 है और जो आपको शब्द सीमा रखी गई है उसकी 200 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। ठीक है, अच्छी तरीके से इस प्रश्न को आप लोग लिखिए। और यह जो प्रश्न है यह आपका यूपीएससी मेंस 2019 का है। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखिए। प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या है, भारत में नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भारतीय कृषि की बात करनी है, किसान संगठनों की बात करनी है, उनकी मांगें वो किस तरीके से अपनी मांगों को रखते हैं, नीति निर्माताओं के समक्ष इसका जवाब देना है और लास्ट में वो तरीके कितने कारगर साबित हुए हैं तो इसका भी आपको जवाब देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से आप लोगों को कार्य करने हैं। ठीक है, पूरा का पूरा प्रश्न लिखना है। लिखने से पहले कुछ सावधानियाँ, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, तीनों में अगर एक एक कोटेशन डाल देते हैं, एक कविता, श्लोक, मूवी के गीत, कुछ भी अगर डाल देते हैं तो आपका उत्तर और भी बेहतर हो जाता है। ठीक है, प्रश्न जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग है अच्छी है तो उससे क्या है कि आपके अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। ठीक है, कुछ तथ्यों का जरूर उपयोग करें। ठीक है, तथ्यों का भी आप लोग प्रयोग करें, लयबद्धता होनी चाहिए, शब्द निर्माण आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ही आप लोग उत्तर को लिखना है। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है क्या, भारत में नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं भारतीय कृषि की। देखिए, जो भारतीय कृषि है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। लगभग जो लोग लगे हुए हैं कृषि और कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में, लगभग 60% लोग लगे हुए हैं। ठीक है, और हमारी अर्थव्यवस्था की यह रीढ़ मानी जाती है, मतलब मेन कोर सेक्टर यही है आपका। ठीक है, लेकिन इसकी प्रगति अभी उतनी नहीं हो पाई है। ठीक है, जैसे जो भारतीय कृषि है और उसमें जो लोग लगे हुए हैं तो लोगों का योगदान जो होता है वो चुनावों में भी भूमिका उनकी अधिक होती है। ठीक है, अब भारतीय कृषि और उन जो कृषक हैं, किसान हैं, उनके मुद्दे कौन उठाता है, जो किसान संगठन है उनके द्वारा कई कई तरीके से जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। संगठनों की जहां तक बात करते हैं तो भारत में बहुत सारे संगठन हैं, भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान संगठन एवं अन्य और भी कई सारे संगठन हैं जो किसानों के हितों की बात करते हैं। ठीक है, ये मांगे किस प्रकार उठाते हैं कि जैसे देखिए, विरोध प्रदर्शन करना, सरकार की कोई नीति अगर किसानों के विरोधी है या किसानों के हित में नहीं है तो उसका विरोध किया जाता है। आंकड़े जो होते हैं, आंकड़ों को ये संगठन क्या करते हैं, आंकड़ों को सरकार के समक्ष रखते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं। भाई, किसानों के अंदर जागरूकता जब तक नहीं आएगी तो योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का वह समर्थन या विरोध कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए किसानों का जागरूक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और जो किसान संगठन होते हैं और क्या करते हैं कि जैसे बैठकें करना, ठीक है, तो वो सम्मेलन करते हैं, बैठक करते हैं, उससे क्या है, चीज़ों जो निर्णय होते हैं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मांगे किस तरीके से उठाते हैं ये आपने बता दिया, अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको क्या बताना है कि सरकारी प्रयास कौन कौन से किए गए हैं, कि कहां तक ये चीज़ें सफल हुई हैं। जैसे देखिए योजनाएं हैं, फसल बीमा योजना हो गया, जो किसानों से संबंधित किसान भाई योजना, बहुत सारी योजनाएं किसानों से संबंधित चल रही हैं। ठीक है, और अन्य योजनाएं भी चल रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार और जो नीति निर्माता हैं उनको, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए किसान संगठन जो हैं मुद्दों को उठाते हैं और किसानों के लिए अच्छे अच्छे योजनाएं बने, अच्छे से उनको लाभ मिले, इनके लिए सरकार भी प्रयास करती है। जैसे नीति आयोग ने अभी हाल ही में 2020 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का कार्य किया है, और भी कई चीज़ें की जाती हैं, ऋण माफ़ी योजनाएं राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा किसानों की बेहतरी के प्रयास किए जाते हैं। अब देखिए, जैसे मुद्दे होते हैं, मुद्दे में जैसे मान लीजिए भूमि अधिग्रहण का मामला है, तो ऐसे मामले में क्या है, किसानों से संबंधित चीज़ें होती हैं, तो ऐसे में जो किसान संगठन हैं उनका
वो लोग किसानों की बातों को उठाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 200 शब्दों में इस प्रश्न को अच्छी तरीके से लिखना है। कीवर्ड के माध्यम से जैसे आप लोगों को लगता होगा नहीं लिख पा रहे हैं, तो देखिए आप लोग पढ़ते रहिए, कुछ पॉइंट्स अगर आपको मिलते हैं तो उनको भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए और अच्छे से आंसर राइटिंग करते रहिए, ठीक है। और अगेन हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।